भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की जोर पकड़ रही है मांग। हाकम सिंह के गिरा क्षेत्र तहसील मोरी के आंदोलनकारियों में भारी रोष। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन प्रेषित कर राज्य में हुई सभी भर्तियों की सीबीआई जांच की मांग। हाकम सिंह सहित भर्ती घोटाले में लिप्त लोगों की संपत्तियों की जांच कर जब्त करने की मांग। हाकम सिंह व अन्य माध्यमों से गलत तरीकों से सरकारी नौकरी पाने वालों को बर्खास्त कर वसूली की भी मांग। हाकम सिंह एंड कंपनी का सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे विज्ञापन पर एक नजर। हाकम सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्ट प्लेसमेंट, सरकारी मान्यता प्राप्त, क्या आपका बच्चा नालायक है? आज ही उत्तराखंड भर में फैली हमारी शाखाओं में संपर्क कर एक दिन की तैयारी की बात मनचाही सरकारी नौकरी पाए। क्या आपका बच्चा नालायक है? जी हाँ, अगर आपका बच्चा नालायक है, हाकम सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्ट प्लेसमेंट, सरकारी मान्यता प्राप्त, क्या आपका बच्चा नालायक है? आज ही उत्तराखंड भर में फैली हमारी शाखाओं में संपर्क कर एक दिन की तैयारी के बाद मनचाही सरकारी नौकरी पाए। महंगी कोचिंग्स और रात दिन की मेहनत अब बीते दिनों की बात हो गई है। सिर्फ एक रात में हर एग्जाम क्रैक करने की जादुई छड़ी के लिए संपर्क करें। हाकम सिंह एंड कंपनी, बेरोजगारी का सर्तिया इलाज। जी हाँ, हाकम सिंह एंड कंपनी, बेरोजगारी का सर्तिया इलाज। उधर खानपुर विधायक उमेश कुमार ने अपनी फेसबुक वॉल से हाकम की मां को उपचार के लिए हेलीकॉप्टर भेजने वाले तत्कालीन मुख्यमंत्री के बारे में लिखा है कि ईमानदार, कुशल, हर दिल अजीज, महापुरुष, लोह पुरुष, ज्ञानी, कोविड प्राणी, बेरोजगारी 1%, जीरो टॉलरेंस, हिलटॉप प्रेमी त्रिवेंद्र रावत तो नहीं थे? वो हो भी नहीं सकते। इतना ईमानदार मुख्यमंत्री कैसे नकल माफिया को हेलीकॉप्टर दे देगा? हे ईश्वर, ये धरती फट क्यों नहीं रही है? मैं तो कह रहा हूँ सीबीआई कर लो, तिरदा का कुछ नहीं निकल सकता। इतना पाक साफ मुख्यमंत्री राज्य को मिल ही नहीं सकता था। आपको बता दें कि उमेश कुमार पत्रकार हैं व कई समाचार माध्यमों के सीईओ हैं एवं वर्तमान में खानपुर से निर्दलीय विधायक हैं। उमेश कुमार भर्ती घोटाले के खिलाफ शुरू से ही मुखर रहे हैं और लगातार आप बोलते आ रहे थे और हाकम सिंह को सलाखों के पीछे पहुंचाने में आज उनकी कड़ी मेहनत काम आई है। और ये भी बता दें कि उमेश कुमार इस समय युवाओं के बीच बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं, युवा उनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। खैर, हाकम सिंह के गृह ब्लॉक मोरी जनता में भारी रोष है और रोष के मद्देनजर चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों ने तहसीलदार मोरी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया है। ज्ञापन में अब तक हुई सभी भर्तियों की सीबीआई से जांच की मांग की गई है। ज्ञापन में हाकम सहित सभी घोटालेबाजों की संपत्तियों की ईडी से जाँच कराने की मांग कर उन्हें जब्त करने की भी मांग की गई है। साथ ही हाकम सिंह व अन्य बिचौलियों के माध्यम से अनैतिक तरीकों से सरकारी नौकरी प्राप्त करने वालों को बर्खास्त कर वसूली की भी मांग की गई है। बहरहाल, हाकम सिंह एंड कंपनी के खिलाफ जनता में व्यापक रोष है व जनता हाकम के आंकड़ों को भी जांच करने की मांग कर रही है। देखना यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हाकम एंड कंपनी व उनके आंकड़ों की सीबीआई जांच कराती है या नहीं, या जांच को हाकम एंड कंपनी तक ही सीमित करती है। क्या उत्तराखंड की जनता के साथ न्याय होगा या नहीं, ये सब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर निर्भर है। जय हिंद।